इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। राम नाम सत्य है सबका यही सत्य है। राम नाम सत्य है सबका यही सत्य है। राम नाम सत्य है सबका यही सत्य है। अवसाद से घिरे एक आदमी को संभालते हुए दूसरा आदमी भी साथ साथ चल रहा था। उनके पीछे चार लोग अर्थी को कंधा दिए चल रहे थे और उसके पीछे भी कुछ लोग शव यात्रा में शामिल लगातार एक ही लाइन में बड़बड़ाते हुए चल रहे थे। वक्त सुबह का था पर घटा इस तरह छा रही थी जैसे बादल भी मैयत पर रोने को बेकरार हो रहे हों। राम का नाम लेते हुए शव यात्रा शमशान में प्रवेश कर चुकी थी। पीछे एक बूढ़ा करीब 8-10 साल के बच्चे का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ है। बच्चा जिसका नाम सोनू है वो बड़े ही गौर से उस शव यात्रा को देख रहा था बिना अपनी पलके झपकाए। और जैसे ही शव यात्रा शमशान के अंदर चली गई सोनू उस बूढ़े की ओर नजरें उठाकर पूछता है, बाबा ये लोग क्या बोलते जा रहे हैं? राम नाम सत्य है सबका यही सत्य है। मतलब बाबू जो जैसे आया है दुनिया में वो वैसे ही एक दिन चला जाएगा, कुछ रहेगा तो बस राम का नाम, समझे? हम भी? हाँ हम सब भी। बाबा की बात सुन सोनू दोबारा से उस शव यात्रा को देखने लगता है और फिर एक टक देखते ही रह जाता है। कौन मारा रे ससुरा? आदमी पीछे देखता है तो कोई नहीं होता क्योंकि सोनू और उसके बाबा शरीर से आजाद एक रूह है जिसे यूं ही नहीं देखा जा सकता। उस आदमी को सोनू की बस हंसी सुनाई देती है पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। ये मंजर देख उस आदमी के हाथ से तंबाकू छूट जाती है और वो चीखते हुए वहां से भाग निकलता है। भूत 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 भागो। बेटा फूफा जी थे वो तुम्हारे, भला उनके साथ कोई ऐसा करता है? बाबा की बात सुन सोनू मायूस हो जाता है। उधर शमशान के अंदर कुछ लोग मायूस थे तो कुछ लोग उन चार लोगों की भूमिका निभा रहे थे जो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। वो आदमी जिसे सोनू ने पत्थर मारा था वो चुपचाप मुंह पर गमछा बांधे हुए कोने में बैठा था जैसे उसे कोई बड़ा झटका लगा हो। पर इन सभी चीजों के बीच अगर किसी पर गम का पहाड़ टूटा था तो वो इंसान वही था जो बेसुध अर्थी के आगे चल रहा था। शमशान में बच्चे को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। भरी जवानी में अपने बच्चे की अर्थी उठाने का बोझ बहुत भारी होता है भाई। अरे जल्दी कीजिए ठाकुर जी और नहलवाइए जजमान को, समय रहते क्रियाकर्म हो जाना चाहिए। घड़े के पानी से हज्जाम उसको नहलाता है और फिर वो सफेद कपड़े में अपने बेटे को उस गड्ढे के अंदर रख देते हैं। बेटे की उम्र 10 साल का होने वाला था। नाम सोनू। नाम सुनते ही पंडित मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। एक अजीब सी शक्ल का इंसान उन्हें गड्ढे के अंदर मिट्टी रखने को कहता है और फिर वो अपने बेटे को मिट्टी में दफना वही निढाल हो जाता है। लोग उसे समझाते हैं और सहारा देकर खड़ा करते हैं। सोनू भी खुद को मिट्टी के अंदर दफन होता देख डर जाता है जैसे किसी ने उसे जिंदा रहते हुए मिट्टी के अंदर गाड़ दिया हो। डर मत बाबू, मरने के बाद कोई दर्द नहीं होता, दुख तो बस उन पर छा जाता है जो पीछे छूट जाते हैं। अपने बाबा की बात सुन सोनू अपने पिता की ओर देखने लगता है और उनके बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और फिर हौले से उनके हाथ को छूता है। उसके पिता को भी ऐसा एहसास होता है जैसे किसी ने उसे छुआ पर उन्हें कोई दिखा ही नहीं। वो अपने घुटने पर बैठकर रोने लगते हैं। पापा आप काहे रो रहे हैं, हम तो यही हैं, आपका सोनू। सोनू भी बेचैन हो उन्हें मनाने की कोशिश करने लगता है कि वो यही है पर उसके पिता की आंखों में तो सिर्फ वो मिट्टी दिखाई दे रही है जिसमें सिमट कर उनका बेटा उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा था। इधर क्रियाकर्म की पूरी प्रक्रिया खत्म हुई तो सभी शवयात्री शमशान से वापस निकल जाते हैं और स्नान कर घर की ओर बढ़ चलते हैं।
रीति रिवाज पूरी कर सभी घर के काम में लग जाते हैं, पर घर के कोने में शोक की कहानी अपनी जगह ले रही थी। पिता का दुख अभी भी खत्म नहीं हुआ था, पर जिम्मेदारियों ने उन्हें फिर से सख्त होने पर मजबूर कर दिया। बहन जो रोज रिमोट के लिए अपने छोटे भाई से लड़ती थी, वो आज उसका पसंदीदा कार्टून लगाकर सिसक सिसक कर रो रही थी। पर इन सभी से भिन्न एक शोक ऐसा भी था जिसने खामोशी की शक्ल ले ली थी। सोनू की माँ, जिसने अपने बेटे की मौत की खबर के बाद ना तो कुछ खाया और ना ही मुंह से एक शब्द बाहर निकाला, बस घर के कोने में बैठी अपने बेटे की तस्वीर को निहारे जा रही थी और उसमें ढूंढ रही थी अपने उस बेटे को जो अब उससे बहुत बहुत दूर जा चुका था। सोनू अपनी माँ की बगल में बैठ उसे निहारने लगता है और अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछने लगता है। जैसे ही सोनू अपनी माँ को छूता है, वैसे ही वो उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे उसने सोनू को देख लिया हो। नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है, जिंदा है वो। ये कहते हुए सोनू की माँ ने उसे गले लगा लिया और उसके हाथ से सोनू की तस्वीर गिरकर टूट गई। उसका चिल्लाना और तस्वीर के टूटने की आवाज सुन घर के सदस्य उस कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि तस्वीर का कांच टूटा हुआ है। घर का चिराग बुझ गया और ऊपर से ये कांच भी टूट गया। भैया, लगता है कोई बड़ा अपशगुन होने वाला है। मेरा बेटा कहाँ गया? अभी तो यही था। सोनू, सोनू डरो मत बेटा, वापस आ जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। सुलोचना, ये क्या कर रही हो तुम? अरे कोई नहीं है यहाँ, हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। खबरदार जो ऐसा कहा तुमने, अभी यही था मेरा सोनू, उसने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे थे। लो, भाभी भी पागल हो गई, पता नहीं मेरे भैया का अब क्या होगा। मैं तो कहती हूँ भैया दूसरी शादी कर लो। अरे पगला गई हो क्या तुम? दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? कब क्या बोलना चाहिए समझ नहीं आता है। ये लो भैया, मैं तो तुम्हारी भलाई की ही बात कर रही हूँ। इससे पहले कि बुआ जी कुछ और कहती, सोनू का फूफा उसका हाथ पकड़कर बाहर चलने के लिए कहता है। फूफा जी के साथ शमशान घाट के पास जो भी हुआ उसके बाद उन्हें लगा कि सोनू की आत्मा भटक रही है, जिसका एक और नमूना उन्हें तुरंत ही देखने को मिल गया। बुआ तमतमाई हुई आगे बढ़ती है और अचानक से एक कोने में रखी ईंट से उसका पांव टकरा जाता है और वो तमतमाते हुए वहीं गिर जाती है। अई अम्मा, मेरी कमर टूट गई, न जाने किस कमबख्त ने ये ईंट आंगन में रखी है। फूफा जी ने अपनी आंखों से देखा था कि ईंट अपने आप ही खिसक गई थी और बुआ जी गिर पड़ी, लेकिन उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ। उनको तो लगने लगा कि फूफा जी भी सोनू की माँ की तरह पागल हो रहे हैं, जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि सोनू की आत्मा ने ये सब किया है। खैर, किसी को विश्वास हो ना हो, लेकिन जिस तरह से फूफा जी गर्मी में भी मफलर बांधे कोने में दुबक गए, उनका डर एकदम साफ दिख रहा था। दिन गुजरते गए, लेकिन सुलोचना की हालत में कोई सुधार नहीं आया। सोनू के पिता जब भी सुलोचना को अपने आप से बात करते देखते तो उनका दिल रोने लगता था। एक तो उसका बेटा नहीं रहा, ऊपर से बीवी की दिमागी हालत भी खराब हो रही थी और फूफा जी का डर भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जिस तरह वो कभी कभी सोनू से हंसी मजाक किया करते थे, सोनू अब उनके साथ कर रहा था। लेकिन इंसान के मजाक करने में और किसी आत्मा के मजाक करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। सोनू के पिता सर्वेश ने सब जगह सुलोचना को दिखा लिया जहां वो दिखा सकते थे, पर किसी भी रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। सभी ने उनके बारे में यही कहा कि वो एकदम नॉर्मल है, पर उनके घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। सुलोचना एक अलग कमरे में रहने लगी जहां किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। उस कमरे से हमेशा किसी न किसी के हंसने की आवाज बाहर आती थी। ऐसा लगता था कि सुलोचना किसी और से बातें कर रही है, पर जब भी सर्वेश अंदर जाता तो सिवाय पसरे अंधेरे के उस कमरे में कोई और नहीं होता। सुलोचना, ये क्या कर रही हो तुम? अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर काहे तुली हो? तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? जैसे ही तुम अंदर आते हो सोनू डर कर चला जाता है। अरे सुलोचना, सोनू मर चुका है। अरे समझ नहीं आता है क्या तुम्हें? जितनी जल्दी तुम ये बात समझ लो अच्छा होगा। इतना कहते हुए सर्वेश कमरे से बाहर चला जाता है। मायूसी भरी नजरों से सोनू अपनी माँ को देखने लगता है।
क्या हुआ बेटा? हमारा यहाँ होना किसी को पसंद नहीं है। माँ, क्या हम इतने बुरे हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, ये किसने कहा तुझसे? बुआ जी कह रही थी कि हमारी आत्मा भटक रही है, उसे भगाना होगा। वो तो कुछ भी बोलती है बेटा, छोड़ उन्हें, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सुलोचना किसी सूरत में अपने बेटे से जुदाई नहीं चाहती थी। वो भी कहीं ना कहीं इस बात को समझने लगी थी कि जिसे वो अपना बेटा मान रही है वो असल में नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। फिर भी वो उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। जिस रूप में भी उसका बेटा उसके साथ था वो उसी रूप में उसके साथ रहना चाहती थी। इसलिए अगली सुबह हनुमान आराधना के लिए कुछ पुजारियों की टोली घर में आई तो उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि जिस घर में हनुमान आराधना होती है वहां भूत प्रेत आत्माओं का वास नहीं हो सकता। सर्वेश के बार बार समझाने पर भी सुलोचना नहीं मानी। बात यहां तक चली गई कि सुलोचना ने साफ कह दिया कि घर में ये सब नहीं हो सकता जब तक कि वो जिंदा है। पुजारी समझ जाता है कि सुलोचना के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो कहता है, देखो भाई, जिस चीज में घर वालों का चित्त ना हो उसे करने से क्या फायदा है, पर तुम प्रेत शिला जरूर जाना, तुम्हारे बेटे को वहीं शांति मिलेगी। सच? मेरे सोनू को वहां जाकर खुशी मिलेगी? जरूर, आपको जल्दी से जल्दी वहां जाना चाहिए। पुजारी जी जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। सुलोचना पुजारी की बात में आ जाती है और वापस उस कमरे में चली जाती है। इधर पुजारी सर्वेश को प्रेत शिला की असली सच्चाई बताते हैं। बिहार के गया में प्रेत शिला वो जगह है जहां पिंडदान करने से भटकती आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो अपने लोक में चली जाती है। खासकर वहां उन्हीं लोगों का पिंडदान किया जाता है जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक तरीके से हुई हो, और सोनू की मृत्यु असमय ऊंचाई से गिरकर हुई थी जिसकी वजह से उसकी आत्मा भटक रही थी। बस सोनू सिर्फ सुलोचना को ही काहे दिखता है? देखो, आत्मा भूत प्रेत ये सब उन्हीं को दिखते हैं जिनका दिल कोमल होता है, और भला माँ के दिल से कोमल क्या होगा। पर जिंदा व्यक्तियों का यूं मृत आत्माओं को देखना, उनके साथ रहना बिल्कुल गलत है। तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा सर्वेश। तुम शीघ्र ही प्रेत शिला के लिए निकलो और सोनू की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाओ। अब चलता हूँ, हरिओम। पुजारी के जाते ही सर्वेश अगले दिन की तैयारी में लग जाता है और अगली सुबह चारों गया के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर सर्वेश सब कुछ पता कर लेता है और प्रेत शिला तक पहुंचने के लिए लंबी चढ़ाई शुरू कर देता है। रास्ते में कई मंदिर और कहीं कहीं तो सैकड़ों लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी, उन लोगों की जिनकी मौत असमय हुई होगी और उनके घर वाले यहाँ पिंडदान करने आए होंगे। अरे लोग अपने अपने लोगों की खुशी के लिए यहाँ तस्वीर लगाते हैं। सर्वेश किसी तरह सुलोचना को बहलाकर ऊपर ले जाता है। वहाँ लोग पंडित के पास बैठते हैं। पंडित उन लोगों को वहाँ के बारे में सब कुछ बताते हैं। सर्वेश ने पंडित को पहले ही सुलोचना की स्थिति के बारे में बता दिया था ताकि वो कुछ ऐसा ना कहे जिससे उसे इसकी भनक लग जाए कि पिंडदान के बाद सोनू की आत्मा मुक्त हो जाएगी और फिर उसे कभी दिखाई नहीं देगी। मंदिर में बैठने के बाद सोनू सुलोचना को भी नहीं दिखता है। वो मंदिर के बाहर ही प्रेत शिला की पहाड़ी पर हजारों भूतों की तरह भटक रहा था। पंडा जी, हम यहाँ जो भी करेंगे उससे मेरे बेटे को खुशी तो मिलेगी ना? बेटी, सतयुग में सोने का शिला था ये, कलयुग में पत्थर हो गया। यहाँ आने से 1484 कुलों का उद्धार होता है। और मेरे सोनू का? अब यहाँ आ गई हो तो उसकी आत्मा को भी उपयुक्त स्थान मिल जाएगा। चलो अब सोनू का फोटो यहाँ रखो और जो मैं बोलता हूँ उसे दोहराते जाओ। बोलो, माता जननी। पंडा जी मंत्र बोलते गए और सर्वेश और सुलोचना उसे दोहराते गए और पिंड दान कर सैकड़ों तस्वीरों के बीच में सोनू की तस्वीर भी लगा दी। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति। पूर्ण खुशहाली के लिए बाहर शिला पर सत्तू उड़ाने की प्रथा है। इतना कहकर पंडा जी उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि मंत्र के साथ शिला पर सत्तू उड़ाना है। जैसे जैसे पंडा जी बताते हैं वैसे वैसे वो करते हैं।
बोलो उड़न सतुआ पितरों को पैठ। जैसे ही वो दोनों ये वाक्य दोहराते हैं, सुलोचना को शिला के ऊपर सोनू की आत्मा उड़ती हुई दिखाई देती है। माँ, हम जा रहे हैं। नहीं सोनू, तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे आ जाओ बेटा, वरना तुम गिर जाओगे। माँ, हम अपनी दुनिया में जा रहे हैं, आप यहाँ अच्छे से रहना। नहीं सोनू, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। सोनू बोलते रहो, उड़न सतुआ पितरों को पैठ। सोनू, सोनू, नहीं नहीं, मेरे सोनू को रोको, रोको मेरे सोनू को, वो मुझसे दूर हो रहा है। सोनू, 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 सोनू। सुलोचना चिल्लाती रह जाती है और सोनू उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। सर्वेश उसे किसी तरह संभालता है, लेकिन उसका चीखना था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक माँ का विलाप देख आसमान भी रोने लगा था, लेकिन सच तो यही था कि सोनू अब इस दुनिया में नहीं रहा और ना ही अब वो इस दुनिया का रहा जहाँ जिंदा इंसान रहते हैं। इंसान और आत्मा का मेल तब तक ही अच्छा है जब तक आत्मा उनके शरीर में निहित जिंदा है, और जब एक बार अलग हो गई तो फिर हम सबको खाली हाथ ही इस दुनिया से लौट जाना है। उम्मीद है जीवन की मुक्ति की ये कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये संसार का वो सत्य है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। इस दुनिया में हम सभी एक किरदार निभा रहे हैं। एक दिन पर्दा गिरेगा, लोगों की तालियां बजेंगी और कहानी के साथ किरदार भी खत्म। कुछ रह जाएंगी तो बस उसकी यादें। आशा है इस कहानी के साथ आप मुझे भी याद रखेंगे। आपका लेखक पंचम प्रकाश। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।